उधर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक दूसरे पर लाठियां बरसाते नजर आए। हालांकि इस बीच भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, जो मामला शांत करवाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उन लोगों ने पुलिस के जवानों की सुनने के बजाय उल्टा उन्हीं पर हमला करने लगे। इस बीच एक जवान ने मारपीट कर रहे एक आदमी को रोकने की कोशिश की, तो दूसरे आदमी ने पीछे से उस जवान को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस घटना में कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जबकि पुलिस के कई जवानों को भी चोटें आई। लोगों ने आरोप लगाया कि एक गुट जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया। तभी देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वहां बनाए कई घरों को तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के जमीन खाली कराने के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद वहां महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़कर शुक्रिया अदा करती नजर आईं। आरोप है कि रेलवे की जमीन पर हजारों लोग कई साल से कब्जा कर रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से। बताया गया कि इस जमीन पर करीब 4000 घर हैं, जिनमें रहने वाले लोग उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड सरकार और रेलवे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि उनके घरों को टूटने से बचाया जा सके। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगाई, लोग खुशी से झूम उठे। वहीं विपक्ष इसे न्याय की जीत बताते हुए सरकार पर हमलावर नजर आया। सरकार उन 4,365 परिवारों को बेघर करने का मंसूबा पाले हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी सरकार सिर्फ कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही थी। न्यायालय के रुख पर ही थे, न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आने तक इस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार और रेलवे को निर्देश दिए कि जब तक वहां रहने वालों को घर मुहैया नहीं कराए जाते, तब तक अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। G20 से जुड़े युवाओं के लिए Y20 की बैठक का आयोजन 6 से 8 फरवरी के बीच असम की गुवाहाटी में किया जाएगा, जिसमें करीब 250 मेहमान हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि Y20 की बैठक के आयोजन को लेकर अधिकारियों की एक बैठक हुई है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना अपने आप में एक बड़ा गौरवशाली पल है, और इस वर्ष में भारत जहां एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं पर G20 की प्रेजिडेंसी के माध्यम से ये भी दिखाने का प्रयास है कि कैसे भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कैसे इस डेमोक्रेसी में भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम किया है, और भविष्य में, और मैं विशेष तौर पर अमृतकाल में भारत कैसे अच्छा करने वाला है, वो सब तो होंगे।